टेंथ क्लास। बेटे आज 4.4 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसके बराबर मूल हमें दिए हैं और हमने इसका मान ज्ञात करना है। हाँ जी बेटे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास है। इसके बराबर मूल दिए, मीन d बराबर है 0। पहले इसको कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। ए देखो कितना है हमारे पास, एक्स के साथ कितना है 2, और बी कितना है जो एक्स के साथ है वो कितना है यहाँ पर k, और सी देखो सी हमारे पास कितना है 3, सी 3 है। ये एबीसी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी देखो कितना है k, के स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 2 और c कितना है 3। ये आ गया k स्क्वायर माइनस 4 दुनी 8, 8 दुनी 24, तो d हमारे पास आ गया k स्क्वायर माइनस 24। अब क्योंकि हमें क्या बोला है, ये इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1 के दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर होंगे तो फिर d किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। देखो d बराबर है 0, डी कितना भी देखो यहाँ पे मैंने अभी भी निकाला, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर है 0। अब यहाँ से हमने k फाइंड आउट करना है, के स्क्वायर बराबर है 24, और k की वैल्यू हटाओगे तो स्क्वायर उधर जाके हटाते हैं तो क्या बन जाता है, रूट, और प्लस माइनस लगा देते हैं और रूट हट जाता है। तो देखो इसके फैक्टर बनाने, प्लस माइनस ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, ये 2 बाहर आ गया, तो k बराबर है प्लस माइनस 2√6। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0। अब आपने इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ब्रैकेट खोल लो, एक्स को एक्स से करेंगे, के तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर बन गया के एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से किया, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर है 0। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। तो अब देखो बेटे ए कितना हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है के, और बी देखो कितना है माइनस 2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, बी आ गया माइनस 2, और सी कितना आ गया भाई 6, सी भी 6 आ गया। अब हमें डी निकालना है, डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है के और सी कितना है 6। तो देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो था प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना बना 4। अब यहाँ पे बेटे 2k था, यहाँ पे देखो इसको 2k भी था साथ में, बी माइनस 2k। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर माइनस 6 चुके 24k, ये हमारे पास d आया है। तो अब क्योंकि इसको भी नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि नंबर 1 के मूल दोनों मूल बराबर हैं, इनके दोनों मूल बराबर हैं, तो d की वैल्यू कितनी होगी 0, तो देयरफॉर d बराबर है 0। तो d को हम 0 कर देते हैं, d कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर है 0। देखो बेटे यहाँ से 4 भी निकल रहा है कॉमन, k भी निकल रहा है, तो बचा क्या सिर्फ k, माइनस 6 चौके 24, 6 बचा बराबर है 0। तो अब देखो यहाँ से 4 तो इधर चला गया, के माइनस 6 बराबर है 0 बटा 4, के माइनस 6 बराबर है 0 बटा कुछ भी हो तो क्या होता है 0। तो इसका मतलब है दोनों का गुणनफल जो है 0 है, इसका मतलब है दोनों ही 0 होंगे, मतलब k भी 0 होगा और k माइनस 6 भी 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखो k 0 के बराबर होगा तो फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि k को 0 कर दिया, ये सारा 0 हो गया, प्लस 6 बराबर 0, तो 6 और 0 तो बराबर तो होते नहीं है, तो फिर ये इसलिए हम k को 0 को कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो देखो k की वैल्यू क्या होगी 6। थैंक यू बेटा।